अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 16 है, वेव्स 1 का प्रॉब्लम 44 है। 125 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2 ग्राम का मास है, टेंशन 7 न्यूटन है। हमसे वेव स्पीड मांगी जा रही है स्ट्रिंग में, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मांगी जा रही है, F1 यानी मांगी जा रही है। तो जनाब पहले तो वेव स्पीड हम जानते हैं, V इज इक्वल टू टेंशन ओवर लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी होती है M बाई L, वो वैल्यूज प्लेस कर देंगे। अब हमें टेंशन भी पता है, लेंथ भी पता है, मास भी पता है, तो 66.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी पता है, वेवलेंथ पता होगी तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो यहाँ से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का, लोएस्ट वेवलेंथ का मतलब है लैम्डा 1, तो हम एन की जगह 1 लगा देंगे, तो लैम्डा 1 आ जाएगा 2L के बराबर। हमें लेंथ पता है 125 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें वेवलेंथ भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, इस टूल में डालेंगे तो F1 आ जाएगा। तो आपके पास वेलोसिटी और वेवलेंथ की वैल्यू डालेंगे तो 26.4 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।